Good morning, student. I hope you all are good and well at home. Please, student, purchase your book. Without book, you can't understand what I am teaching. Say, this is your book. Smart Grammar Class 7. Please, student, books खरीद लें. Otherwise, आप books के बिना नहीं समझ में आएगा आपको कि आपकी teachers क्या पढ़ा रही हैं. आप पढ़ भी नहीं पाएंगे. And आपके courses ही पीछे होंगे. आप को समझने में दिक्कतें होंगी. आप सीनियर क्लास में आ गए हैं तो आपके लिए इस टाइम पे बुक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके जो मेन को सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स हुआ, एसएसटी हुआ, इंग्लिश हुआ, तो ये सारे कोर्सेज के आप देख सकते हैं क्लासेस स्टार्ट है, कंटिन्यू है, बराबर से चल रही हैं. और ये सारे टीचर्स आपके एक एक दो दो चैप्टर्स कंप्लीट करा चुके हैं. तो इस समय आपको बुक्स लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, प्लीज स्टूडेंट परचेज योर बुक. तो कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था? कल मैंने आपको पढ़ाया था नाउन नंबर्स के साथ साथ मैंने आपको सिंगुलर प्लुरल पढ़ा दिया था. एंड आपको मैंने रेगुलर एंड इररेगुलर प्रोनाउंस रूले पढ़ाया था, बताया था कि आपको कहाँ पे उसके यूज़ होते हैं, उसके फॉर्म्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं. ये सारी चीज़ें मैंने कल आपको समझा दी थी, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा रेगुलर नाउन एंड इररेगुलर नाउन के अंदर कैसे प्लुरल का यूज़ होता है और उसके फॉर्म्स क्या होते हैं, तो किसके साथ क्या लगता है. अब हम क्या करेंगे, ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, तो हम आपकी एक्सरसाइज कम्प्लीट करेंगे. पेज नंबर 25, एक्सरसाइज ए. लुक एट योर बुक स्टूडेंट. फर्स्ट वाला देखिए. अ नाउन विच इंडिकेट्स मोर देन वन पर्सन इज कॉल्ड. अ नाउन इंडिकेट मोर देन वन पर्सन. वन पर्सन से ज़्यादा जो नाउन आपको इंडिकेट करता है वो क्या कहलाता है? अब वो क्या होता है? वो प्लुरल नाउन होता है. प्लुरल होता है मीन्स हाउ मैनी मेंबर डज अ नाउन हैव टू. हाउ मैनी नंबर्स डज अ नाउन हैव टू. अ नाउन विच इंडिकेट्स ओनली फॉर वन पर्सन इज कॉल्ड. ओनली फॉर वन पर्सन, एक इंसान के बारे में जो हम बातें करते हैं वो क्या होता है? वो हमेशा सिंगुलर होता है. ओके, तो अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. हम फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, जो सूटेबल वर्ड्स होंगे ब्रैकेट्स में हम उसको यूज़ करेंगे. जैसे सबसे पहले हम करते हैं कौन सा करें, फोर वाला. द डैश वर क्राइंग देयर क्राइप्स. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हम किसकी आवाज़ें सुन रहे हैं रोने की और कौन रो सकता है. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? बेबीज़ कर सकते हैं. बी ए बी आई ई एस, बेबीज़ कर सकते हैं. फाइव वाले में मिस्टर जॉन हैज टू. जब मिस्टर जॉन के पास दो बच्चे हैं तो हम दो बच्चों के लिए कल ही बताया था चाइल्ड का यूज़ नहीं करते. तो हम क्या करेंगे? द मिस्टर जॉन हैज टू चिल्ड्रेन. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? टू चिल्ड्रेन करेंगे. एंड कॉम योर हेयर्स कभी नहीं होता, HAIRS हेयर्स नहीं होता, हमेशा क्या होता है? हेयर होता है. तो कॉम योर हेयर होगा. ब्रेड एंड बटर डैश फेवरेट फूड. ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड. आर माई फेवरेट फूड नहीं होगा, ब्रेड एंड बटर एक ही है. तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड होगा. ओके, ऐसे ही आप करेंगे. आई हियर द पैक ऑफ डैश इन द फॉरेस्ट. अ पैक ऑफ मतलब कि बहुत सारे झुंड में. तो फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं वुल्फ नहीं होगा, वुल्फ्स होगा, WOLVES वुल्फ्स होगा. और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, मीन्स समझाना चाहती हूँ. सम नाउन इज़ सिंगुलर आर द सेम इन प्लुरल. कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में भी सेम होते हैं एंड प्लुरल में भी सेम होते हैं.
A few noun have the same singular and plural forms. वो noun जो हैं जैसे कि singular के संग use होते हैं and same plural के साथ भी use होते हैं, उनका कुछ चीज़ें change नहीं होता है। अभी तक आप क्या पढ़ते आए, singular means होता है एक, एंड जब हम उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम उसको कैसे कैसे फॉर्मेट से चेंज करते हैं वो कल मैंने आपको बताया। बट हमारे पास ऐसे भी कुछ नाउन हैं जो सेम यूज़ होते हैं, चाहे वो सिंगुलर में हो चाहे वो प्लूरल में हो। तो ऐसे ही हम वो नाउन, जैसे कि आपको एग्जांपल में देंगे तो शीप का कभी शीप्स नहीं होगा, शीप्स गलत होता है, शीप का शीप होगा। जैसे आप देख सकते हैं एट वाले एग्जाम्पल में बी के, द फार्मर हैड अ डजन, डी ओ जेड इन डजन, क्या शीप्स या शीप? तो आप कभी यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि मैम शीप्स होगा, नो इट इज रॉन्ग, शीप्स इज रॉन्ग। तो यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल में भी दोनों में यूज होगा शीप का शीप ही। ऐसे ही डियर का डी डबल ई आर, डियर का कभी डियर्स नहीं होता, डी डबल ई आर ही होगा डियर का। सीरीज का सीरीज ही होगा चाहे सिंगुलर में हो एंड चाहे प्लूरल में हो। हाँ, तो हेयर का हेयर ही होगा, फिश का फिश होगा। ये सारी चीज़ें जो सेम वर्ड्स हैं, सेम नाउन्स हैं, वो हर फॉर्म में नाउन के सिंगुलर एंड प्लूरल में सेम यूज़ होते हैं। आपके एग्जांपल में भी मैंने दिया है कॉम योर हेयर्स नहीं होगा, इट्स हेयर। हाँ, यहाँ पे टेंथ वाले में जैसे मैंने बताया ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड, आर माई फेवरेट फूड नहीं होगा, क्योंकि ब्रेड एंड बटर बहुत सारा नहीं है। ब्रेड एंड बटर है दो चीज़ें, बट उसको एक ही बोला जाता है, वो है एक ही। तो इज़ माई फेवरेट फूड, ठीक, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। कल मैंने माउस एंड माइस का भी ऐसे ही एग्जाम्पल दिया था, जो आप देख सकते हैं। हाफ का भी मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, हाफ का एच होता है, उसको बी के साथ रिप्लेस करते, मैंने ही बताया था, एस और ई एस लगाते हैं। तो वो सारी चीज़ें अब आपके एग्जांपल्स में दिख रही हैं। हाँ, और सम नाउन्स इन सिंगुलर आर द सेम इन प्लूरल, कुछ नाउन ऐसे जो सिंगुलर एंड प्लूरल में सेम होते हैं। अ फ्यू नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, उनके सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म सेम होते हैं। अब देखिए बी सी वाला एक्सरसाइज, री राइट द सेंटेंस विच आर इनकरेक्ट। ये बहुत ईजी है, मैं इसको नहीं बताऊँगी, ये आपको आना चाहिए, ये सेंटेंस करना, ये नॉर्मल सा सेंटेंस है, आपको क्लास फिफ्थ से ही पढ़ाया जाता है, फोर्थ से ही पढ़ाया जाता है ये। तो ये मैं इतना डिटेल में पढ़ा दी हूँ कि आप इसको पढ़ते ही तुरंत कर लेंगे, तो इसको कर लीजिएगा कॉपी में, ओके, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अब हम आते हैं पेज नंबर 26। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, इनका फॉलोइंग वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म करना है। वेरी का दिया है तो वेरीज होगा, बी ई डबल आर आई ई एस, बेबी दिया है तो इसका क्या होगा, बी ए बी आई ई एस होगा, बेबीज होगा। एस टी ओ आर वाई स्टोरी दिया है तो एस टी ओ आर आई ई एस स्टोरी होगा। बटरफ्लाई दिया है तो बटरफ्लाई का क्या होगा, बी यू डबल टी टी ई आर एफ एल आई ई एस, बटरफ्लाईज होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कैसे कैसे ये इररेगुलर प्लूरल में चेंज हो रहा है हर फॉर्म्स के साथ। जो कल मैंने फॉर्म्स आपको बताए थे, समझाए थे, पढ़ाए थे, उन्हीं फॉर्म्स के साथ ये सारी चीज़ें चेंज हो रही कंटिन्यू। फेरी का है एफ ए आई आर वाई, तो यहाँ पे वाई हट के एफ ए आर आई ई एस फेरीज हो जाएगा। चेरी का है तो सी एच ई डबल आर आई ई एस हो जाएगा, वाई हट के कैसे आई एस का यूज़ कर रहे हैं हम, वो आप इन सारे चीज़ों में देख सकते हैं। सेकंड वाला दिया है बुश का, बुशेस हो जाएगा, बी यू एस एच ई एस। लेडी का एल लेडीज हो जाएगा, ऑरेंज का ऑरेंजेस ओ आर ए एन जी ई एस लग जाएगा, शीप का शीप ही होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। वुमेन का वुमेन हो जाएगा, मैन का मैन का मैन हो जाएगा। तो ये चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, ये आप अपनी सारी मैंने बता दिया है, एक दो ही छूटे हैं, बाकी तो मैंने सारे फिल करा दिए हैं।
तो इसको आप एक बार ठीक से वीडियो देखिए स्पेलिंग के साथ पूरा बुक में फिल कर लें, और नीचे वाला जो है उसको पढ़ लीजिए, वो ऐसे एक्टिविटी के बेस पे दिया है। तो ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ स्टूडेंट कंप्लीट योर होमवर्क एंड परचेज योर बुक। थैंक यू।